हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं। आपका एक पार्ट वन ऑप्टिक्स का कंप्लीट कर दिए, जिसमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना था। आज हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे और क्लास ट्वेल्व आप लोग का यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्लास टेंथ का कुछ कुछ था पैटर्न, तो वहाँ से हम लोग उसको स्टडी किए। लेकिन कुछ टॉपिक वहाँ से आपका मिरर फॉर्मूला वगैरह आपके आते हैं क्लास ट्वेल्व में भी, लेकिन आज से मेन आपका रिफ्रैक्शन आज से स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे जो भी पढ़ेंगे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिनेल्स ला भी आज देखेंगे, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में, डेरिवेशन भी वहाँ से बनता है और आपका उससे आपका न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देखेंगे और जो सिनेल्स ला ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो उसको प्रूफ भी हम लोग अगर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रूफ भी देखेंगे, आपको रे ऑप्टिक्स में भी देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में भी देखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चलें। कल ही मैंने आपको दिखाया था कि कैसे नोट्स हम बनाते थे, तो नोट्स आपको ही बनाना है। हर एक स्टूडेंट सीरियस जो रहता है नोट्स बनाता है। ऐसे में पीडीएफ को टेलीग्राम में सेंड कर दिया था, पार्ट वन, पार्ट टू भी उसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। वीडियो से देखने में डिस्टर्ब होता है, तो डायरेक्ट पीडीएफ से आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट वगैरह करिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है मेन है रिफ्रैक्शन। ये भी थोड़ा सा पढ़े होंगे क्लास टेंथ में, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो होता है, तो रिफ्लेक्शन हम लोग देख चुके थे, कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हम लोग देख चुके थे, जो कि एक ही मीडियम में होता था वहाँ पर, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट वेट फेल ऑन एनी सर्फेस, किसी सर्फेस पे गिरता था तो उससे मीडियम में बैक होता था, तो रिफ्लेक्शन हम लोग देख चुके थे। आज क्या है, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एफ आर है तो फ्रैक्शन है, या फ्रैक्शन यानी कि बांटेगा, तो बांटेगा तो एक चीज़ में बांट नहीं सकता, दो मीडियम में बांटेगा, तो बांटने का यहाँ पर काम होगा अलग अलग मीडियम में, दो मीडियम यहाँ पर रहेंगे। तो पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे कुछ भी करेंगे। चलिए, तो एक क्या है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है, एफ वाले, ठीक है, रिफ्लेक्शन थे रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ऐसी घटना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट जा रहा है, लाइट का जो रास्ता है उसका रास्ता में बदलाव होगा, रास्ता में चेंजिंग होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, कब चेंजिंग होगा, वेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसके रास्ता में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, तो उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। द फेनोमेना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ, वैसी घटना जिसमें कि लाइट का जो डायरेक्शन का पाथ है, ठीक है ना, सॉरी डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, जो रे यहाँ पर जा रहा है उसमें जो भी रास्ता है, रास्ता में बदलाव होगा, कब, जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक। चलिए, और एक चीज़ करके मिस्टेक होता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट हम लोग बोलते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं, डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। जो लाइट है तो लाइट का रास्ता, तो रास्ता में चेंज हो गया, तो लाइट सेम ही है, लाइट में कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसके क्या पाथ में चेंजिंग आ गया, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो डिफ्रेक्शन को अच्छे से बता दिया गया। अब आगे क्या घटना है उसको देख लीजिए, रीजन, आखिर क्यों ऐसा होता है, कोई तो रीजन होगा ना कि जो लाइट का पाथ है उसमें चेंज हो गया, कब, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो देखिए क्या होता है, तो इसको एक और क्या बोलते हैं, एक और डिफ्रेक्शन आप बोल सकते हैं कि लाइट का क्या होता है ना कि स्पीड में चेंजिंग आता है, वही रीजन होता है, मेन रीजन वही होता है। देखिए, क्लास टेंथ हम लोग पढ़े थे स्पीड में चेंजिंग, यही यहाँ पर करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द काउज ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग आता है, इसी के कारण रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड ऑफ लाइट में कैसे चेंजिंग आया, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, ठीक, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन टाइप ऑफ मीडियम टू अनदर टाइप ऑफ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसमें स्पीड में चेंजिंग आया, स्पीड में चेंजिंग आएगा तो उसका डायरेक्शन में भी, पाथ में भी चेंजिंग आएगा, लाइट तो सेम है लेकिन पाथ में चेंजिंग आया, क्यों आया, क्योंकि उसका स्पीड में चेंजिंग आया, स्पीड में चेंजिंग क्यों आया, क्योंकि वहाँ पर उसका मीडियम में चेंजिंग आया था, तो इसका रीजन आगे आप किसी को बता सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, कुछ और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पर अगर दो मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, ठीक है, और एक आपका डेंसर मीडियम है,
डेंसर मतलब घनत्व है यहाँ पे, रेयर मतलब कि समझिए कि क्या बोलते हैं घनत्व इसका कम है, ठीक है। तो जब क्या रेयर से डेंसर में जाएगा, ये रेयर है और रेयर से किधर जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, इधर आ रहा है, तो क्या होगा ये क्या पे नॉर्मल गिरा देंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इधर ही जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। जब डेंसर में जाएगा, मीडियम वेन इट बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, कब, जब रेयर से डेंसर में आएगा। अनदर क्या बोलेगा, अनदर आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, विन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से किधर जा रहा है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल गिरा दीजिए, तो रेयर में जा रहा है, ऊपर रेयर है, यहाँ पे डेंसर है, ठीक है, तो रेयर है तो बाहर और भाग जाएगा, दूर चला जाएगा, रेयर काफ़ी जगह है ना, तो काफ़ी जगह है, पूरा फैल है, तो फैला हुआ है तो और दूर भाग जाएगा, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ठीक है ना। वेन इट बीन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे डेंसर है तो आएगा तो और नॉर्मल की तरफ ही चला जाएगा, ज़्यादा घनत्व है यहाँ पे, कम घनत्व तो बाहर चला जाएगा। तो याद रखना होगा कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाता है, बना कर देख लेना है, रेयर में जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, और नॉर्मल से यहाँ पर बनाया हुआ, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ पिक्चर, इसी का पिक्चर बनाया हुआ है, देखिए इंसिडेंस आ रहा है, ये रेयर मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है, तो देखिए जब रेयर से डेंसर में आया तो देखिए नॉर्मल यहाँ पर है, तो नॉर्मल की अंदर की ओर आया, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो दूर भागेगा, देखिए यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल है, तो जाना चाहिए था, देखिए डॉट 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 जो लाइन है सीधा ऐसे, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज आ गया, इसको जाना था सीधा लेकिन डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया, तो यही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ, रेयर मीडियम है, एयर मान लीजिए, ये नॉर्मल है, आर है, ठीक है ना, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड है, देख लीजिए रिफ्रैक्टेड चेंज आ गया, ठीक है। डेंसर मीडियम है, वाटर को डेंसर मीडियम मान लीजिएगा रियल एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो बस इसमें भी वही है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, आपका आ रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखा देना होगा, ठीक है, अगर आता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या कंडीशन होगा, कैसे कैसे कुछ नहीं, बस डिफिनेशन आने का थोड़ा सा चांस रहता है, तो बता देना कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के जो पाथ का डायरेक्शन है जिसमें जा रहा है उसमें चेंजिंग आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये भी हो गया था, नोट में देखिएगा, इफ़ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस नॉर्मली, यानी कि 90 डिग्री पर कोई भी रे ऑफ लाइट आता है, देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ, तो उसका डायरेक्शन ऑफ पाथ में यानी कि जिस रास्ता में जा रहा है उस रास्ता में कोई चेंजिंग नहीं आया, देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ, यानी कि रास्ता का जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंजिंग, जो रास्ता से जा रहा था इसी रास्ता से जाएगा, कब, जो नॉर्मली गिराएंगे तब, ठीक है, देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ, रास्ता में कोई चेंजिंग नहीं, कब, जब 90 डिग्री गिराएंगे तब, ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए यहाँ पर आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा, कैसे, क्योंकि नॉर्मल से हम लोग मिलाते थे ना, यहाँ पर अगर आई आएगा तो नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनता था, अब इसी पर आई है इसी पर नॉर्मल है तो एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री, ठीक है, तो म्यू एक टर्म आता है, इसको बताएंगे म्यू क्या होता है, ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसका आगे दिखाया जाएगा कैसे होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर करिएगा, देखिए साइन आई तो जीरो बटा में यहाँ पे क्या आ गया, प्रूफ हो रहा है तो आर आ गया, म्यू हम लोग निकालते हैं, म्यू आगे बताएंगे, ठीक है, म्यू इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दो मीडियम में उसको कितना रिस्पेक्ट है लाइट का, तो उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा आगे चल के, एक फॉर्मूला जान लीजिए, ठीक है ना, सिनेंस लाइट इसी को बोलते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए अपन साइन आर, ठीक है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो तो नीचे में म्यू आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पर चेंज कर दिया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखिए साइन आर को ऊपर कर दिए, म्यू को यहाँ पर नीचे कर दिया गया, ऊपर में जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो साइन जीरो डिग्री तो जीरो आता है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, जीरो, ठीक है ना, जीरो डिग्री में जीरो, तो आर का वैल्यू जीरो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जीरो, तो आई और आर हमेशा बराबर आता है, इसीलिए आर भी जीरो आ गया, ये तो ला होता है, देखिए ला यहाँ पर पढ़ लीजिए, एक ला तो सिंपल रहेगा जो हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, तो सेकंड ला थोड़ा सा चेंजिंग आता है, इसको देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट ला देख लीजिए क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे गिर रहा है ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन, सिंपल सा है, जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे रिफ्लेक्शन में वही ला यहाँ पर है, सेकंड में चेंजिंग आ गया, उसमें दो ला क्या पढ़े थे, एक तो इसी को पढ़े थे, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना, बस कि यहाँ पर चेंजिंग आ गया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फर्स्ट थिंग, सेकंड क्या पढ़े थे, आई इज इक्वल टू आर, तो बराबर रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, ध्यान दीजिएगा, और आई इज इक्वल टू आर उसमें बराबर था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर एक सेकेंड,
यहाँ पर जो आई जी कोल्ड, यहाँ पे तो प्रूफ आ गया आर भी जीरो आ गया, कोई एंगल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे आई जी कोल्ड आर बड़ा बड़ा और छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता है, रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन में होता था, इसलिए इसका लॉ में चेंजिंग आ गया, ठीक है, क्योंकि चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। एक याद रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, जहाँ पे सब गिर रहा है तो सब एक ही प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, इसी प्लेन, यहाँ इसको हम प्लेन मानते हैं, तो इसी पे सब, ठीक है, नॉर्मल भी और रिफ्रैक्ट करेगा तो ये भी, ये तो डॉट इधर ज़्यादा, तो ये सब एक ही पॉइंट पे, सिंपल सा है, जो सेकंड पढ़े थे आपका रिफ्लेक्शन का वही है। अच्छी इसका देखिए, इसका सेकंड ला थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई जो है आई का साइन एंगल, ठीक है ना, तो साइन आई, साइन थीटा पढ़ते थे तो साइन आई, ठीक है, टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन आर, ठीक है ना, साइन में एंगल लेते हैं तो साइन आई साइन आर इज कॉन्स्टेंट, यही कॉन्स्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है, म्यू क्या आता है, तो म्यू आगे बताएंगे म्यू क्या आता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन इज कॉन्स्टेंट, दोनों लाइज को याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू म्यू होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जाके आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, समझ गए, इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, इसी को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ बोले, या फिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर बोले, ठीक है, तो सारे के सारे एक ही टर्म को अलग अलग नाम दिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए, अब यहाँ तक सब सिंपल सिंपल था, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भी दो प्रकार का होते हैं, पहला होता है एब्सोल्यूट एंड दूसरा होता है रिलेटिव, ठीक है, तो पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देख लीजिए, म्यू, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि एयर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये दोनों का रेशियो है, कि जैसे कि वहाँ पे साइन आई जो देखे कि साइन आई क्या बोलते हैं, साइन आई और साइन आर, तो आई क्या था एयर का और आर क्या था कोई मीडियम का, ऐसे देखिएगा, इसको यहाँ करते हैं, ऐसे देखिएगा, तो यहाँ पे एयर था, रेयर मीडियम था, यहाँ डेंसर मीडियम था, तो दोनों का हम लोग ले रहे थे रेशियो, तो यहाँ पे आई का, यहाँ पे आर का, तो वही बात आ गया, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो म्यू क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर तो कर ही सकते हैं, लेकिन म्यू का स्पेशल जो फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कोई भी एक लाइट का स्पीड ले लीजिए, एयर में होता है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, एयर में हम लोग जानते हैं, और मीडियम आपको निकालने के लिए दे देगा, मीडियम में पूछेगा, या कुछ कुछ याद किया जाता है कि इसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए समझिए कि यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आया तो यहाँ पर 1 आ गया, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 2/3 है, तो 3 आपका वाटर में है, 2 आपका एयर में है, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे करके फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा 7/6, तो 6 मेरा मीडियम में है और ये 7 क्या है, एयर में स्पीड है, तो इन दोनों का रेशियो को क्या बोला जाता है, म्यू बोला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए म्यू, म्यू एम कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, कोई भी मीडियम, तो यहाँ पे मीडियम का ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, सीओ मतलब कि एयर का, ठीक है, एयर का ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए म्यू एम, और यहाँ पे एयर का क्या होता है, एयर का होता है 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना होगा, मान लीजिए म्यू जी निकालना है, तो ऊपर में सीओ ले लीजिए, सीओ यानी का स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, और नीचे में आपको सी करके, सी यानी का स्पीड को ही दर्शाता है, ठीक है ना, वैक्यूम का, और यहाँ से आपको जी यानी कि कोई भी मीडियम का, जी का पूछ देगा तो डब्ल्यू का पूछ देगा, तो जिसका पूछेगा उसको नीचे रखना है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू एल, ठीक है, तो ऊपर में क्या, ऊपर में सी ओ आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, जो भी यहाँ पर मान लीजिए म्यू एल है तो म्यू एल आ जाएगा, इस टाइप से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक दो बार पढ़िएगा तो आसान आ जाएगा, ठीक है, अब एक आपको सवाल यहाँ पर देते हैं, एक सवाल यहाँ पर देखिए, सिंपल सा है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द इन ए मीडियम, मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जितना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, उसका आप बताइए कि उस मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तो देखिए सिंपल सा है, अभी हम लोग पढ़े एक रेशियो पढ़े का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, मीडियम पढ़े, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3/2, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का हम लोग जानते हैं, मीडियम का वो पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है, तो सिंपल सा देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग म्यू जी
कोई भी ग्लास का, कोई भी मीडियम का मान लिया, तो सी ओ अपन सी जी, तो इसका वैल्यू दिया है 3/2, और सी ओ का वैल्यू क्या होता है 3×10^8 मीटर। तो सी जी का आपको निकालना है, तो सी जी का निकाल देंगे, तो सी जी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, सी जी को इधर भेज दीजिए, अभी 2/3 को इधर भेज दीजिए, कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2×10^8 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा रहेगा, आपको पूछेगा दे देगा, वो पूछेगा कि एयर का निकालिए, वाटर का निकालिए, एक का दे देगा, एक आपको पूछेगा, ठीक है। तो एयर का हम लोग याद रखेंगे, बाकी वैल्यू दिया रहेगा और निकाल देना होगा, सिंपल से न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। अब सेकंड देख लीजिए, रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दो मीडियम के रिस्पेक्ट में वो क्या था, वो था उसमें एक एयर था एक मीडियम था, यहाँ पे दो मीडियम रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कैसे कैसे। देख लीजिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। देख लीजिए 1 μ2 कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दो मीडियम वहाँ पे क्या था, एक एयर था एक कोई मीडियम था, यहाँ पे दोनों मीडियम है, तो 1 μ2 कहने का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो नीचे है उसी को हम लोग मानते हैं, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो ऊपर है, ऊपर समझिए एयर मान लीजिए, हमेशा एयर एयर, तो जो भी ऊपर है तो उसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है सेकंड वाला का। यहाँ पे हम लिख दिए म्यू, यहाँ पे 3 लिख दिए, तो 3 लिख दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, 3 का विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर में जो ले लीजिए 1 है तो 1, 2 है जो भी रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अपवर्ड, ठीक है। तो यही आपका होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 μ2 तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो μ2 यहाँ पर μ1। तो कैसे निकालेंगे, μ2 निकालना है तो ऊपर देखिए CO अपन C2, अब फिर देखिए इसका, तो इसका भी निकालेंगे, अगर सिंपल सा म्यू यानी कि एब्सोल्यूट निकालना है तो एयर में स्पीड और इस मीडियम में स्पीड, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो एयर एयर कट गया तो क्या बचेगा, C2 ऊपर चला जाएगा और C2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 μ2 था तो म्यू के रिस्पेक्ट में ऊपर लिखेंगे μ2/μ1, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या बताया, हमेशा ऊपर वाले, तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। जब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 1 वाला ऊपर चला जाएगा स्पीड में, 1 वाला ऊपर चला जाएगा एंड 2 वाला नीचे आ जाएगा, इसी को बोलते हैं sin I/sin R। थोड़ा सा लग रहा होगा कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन यही रियलिटी है। अब इसी को आपको दोबारा पढ़ना होगा, PDF को लिखना होगा, तो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार और इसको कर देता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2 कहने का मतलब कि μ2/μ1, ठीक है ना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका चेंज होकर ऐसे आ जाएगा, यानी का स्पीड 1/2, ठीक है, लेकिन 2/1 इसमें, यही है। कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइएगा, हम दोबारा से कुछ करेंगे कोशिश। चलिए अब आपको लिख दिया कि 1 μ w यानी कि ए लिखते हैं एयर और w मतलब वाटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो μ w जो ऊपर रहेगा μ1, ठीक है। यहाँ पर CSCW यानी कि स्पीड में आ गया, तो स्पीड में क्या आएगा, एयर का w का नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे sin A/sin R, ठीक है। तो बस वही था एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया गया। चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल क्या है देख लीजिए, एट व्हाट एंगल, सिंपल सा जो पढ़े उसी को न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द, ठीक है, आप अगर आप अच्छे समझ गए तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, खुद से बन जाता तो बहुत अच्छा, आप माइंड सभी का चलता अलग अलग, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर देखिए हमको समझ में आ गया इस टाइप से हम बना लेंगे वैसे भी, ठीक है ना। उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर 2-3 बार करके देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका माइंड जैसे कैप्चर करता है वैसे कैप्चर करना है, सारी चीज़ को सीख लेना है। तो पहले अभी स्टार्टिंग में सीखे तो देख लीजिए कैसे कैसे बनता है, उसके बाद करिएगा ट्राई वगैरह। एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ इंसिडेंट ऑन ए ग्लास, कितना एंगल से रे ऑफ इंसिडेंस किसी ग्लास पर आएगा, सो दैट रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी कि R का वैल्यू दे दिया, I का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कहीं जब कहीं सरफेस पर कोई लाइन अथी क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे करेगा, आपका म्यू का भी वैल्यू दे दिया 1.5, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम इज इक्वल टू 1.5, यानी कि एयर का यहाँ पर और यहाँ पर कोई मीडियम का इसका वैल्यू कितना दे दिया 1.5, इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आ जाएगा, कट जाएगा नीचे में 10, तो यहाँ से काट दीजिए तो 3/2 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, तो इसी टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, μ g यानी कि sin I/sin R, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं होता है, ऐसा होता है, इसका वैल्यू दे दिया 3/2,
तो यहाँ पे साइन ए अपने देखिए आर का वैल्यू भी दिया 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है, आई का आपको निकालना है ठीक है, तो 2 ऊपर चला गया ठीक है, 2 यहाँ से एक सेकेंड यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर आ गया तो 2 साइन आई हो गया, तो साइन इज इक्वल टू 3/4 ठीक है, तो 3/4 कहाँ से आ गया देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से अगर ऊपर चला गया 2 तो फिर 2 नीचे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पहले से 2 4 आ जाएगा 3 काटेगा तो आई का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स यहाँ पर 0.75। तो यही है, थोड़ा सा आपको लगा होगा डिफिकल्ट टाइप का लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसको देख कर बनाइए समझ आ जाएगा ठीक है, फिर भी नहीं आता तो 2 बार 3 बार करिए आ ही जाएगा ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसे अपने से मैं कोशिश किया हूँ कि जो मेरे पास है वो पूरा देने का कोशिश किया हूँ। चलिए ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, टाइम अभी वीडियो चलिए अभी ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत ठीक है, रिवर्सिबिलिटी यानी कि रिवर्स करना चेंज हो जाना, इसमें क्या है इसका थ्योरी पढ़िए तब यहाँ पर समझ आएगा। देख लीजिए कह रहा है कि 1 μ2 यानी कि μ2/μ1 यानी कि साइन ए अपन साइन आर ठीक है, अगर स्पीड में पूछेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर c1/c2 लाइट का स्पीड में ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स जो भी होता है स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में ऐसा। चलिए तो 2μ1 आपसे पूछता है दूसरा मीडियम का, तो μ2/μ1 साइन मतलब कि साइन ए अपन साइन आर जो इसको बना देना है। अब देखिए मल्टीप्लाई सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देख लीजिए, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ये दोनों को करेंगे, ये दोनों को करेंगे, ये दोनों को करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1μ2 2μ1 इसको मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ठीक है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ठीक है, तो क्या आपको बचेगा 1μ2 एंड 2μ1 सिर्फ यही बचेगा, यानी कि एक का उल्टा दूसरा, एक का उल्टा दूसरा यानी कि 2μ1 तो इज इक्वल टू किसका होगा रिवर्स में 1μ2 यानी वही रिवर्सिबिलिटी है, दोनों बराबर होगा किसका 2μ1 इज इक्वल टू किसका 1/ पलट देंगे 1μ2 यही बोलता है, बस उलट दीजिएगा तो सिंपल सा आपका रिवर्सिबिलिटी का रूल आता है कि 1μ2 पूछ रहा है तो 1/2μ1 आ जाएगा, बस यही था इसमें ठीक है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ से आपको एग्जाम्पल में याद रखिएगा aμw यानी कि किसका है वाटर का है, एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है 4/3 याद रखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पूछेगा तो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको किसका यहाँ पर डब्ल्यू एन ए दे दिया, अब देखिए एयर का दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू किसका वाटर उलट दिया तो यहाँ पर क्या था 4/3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 वही है रिवर्सिबिलिटी रूल ठीक है ना, रिवर्सिबिलिटी रूल यानी कि अगर यहाँ पर चेंजिंग करते हैं तो डाटा में भी चेंजिंग आ जाएगा ठीक है ना, तो इसको बारे में वही था ठीक है, यानी कि aμw अगर 4/3 है तो wμa क्या हो जाएगा 3/4। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स, कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार ठीक है ना, इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स, अगर रे ऑफ लाइट का पाथ को रिवर्स करते हैं ठीक है ना, तो आफ्टर क्या है आफ्टर सफरिंग एक्चुअली आफ्टर सफरिंग ठीक है, इन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होने के बाद इट रिट्रेस इट्स पाथ, यानी कि एक बहुत बार आने जाने के बाद रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव होने के बाद वही पाथ में आ जाएगा, वही करा है बस सिंपल समझिए उलट जाएगा और आपका डायरेक्शन सेम आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा लास्ट आपका है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेस से क्या होता है जैसे एयर है वाटर है फिर ग्लास है फिर एयर है इस टाइप से ठीक है ना, तो म्यू ए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए है इसका डब्ल्यू है इसका, ऐसे करके स्पीड में एयर है वाटर ग्लास ठीक है स्पीड में सारे का यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, जो स्नेल्स लॉ हम लोग पढ़े aμw तो क्या होगा μw/μa और स्पीड में ऐसे करके ठीक है ना, तो साइन a/sin r फिर इसका करेंगे तो उसी प्रकार ठीक है, स्नेल्स लॉ याद रखिएगा। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2, 3 सारे को जो मल्टीप्लाई करिएगा तीनों यहाँ पे जो लिखा है इक्वेशन सारे को जो मल्टीप्लाई करिएगा तो कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है, सब कट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसीलिए aμw wμg या फिर gμ जो भी तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वही करेगा बहुत सारे को मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन a/sin r इक्वल टू 1 ठीक है, तो यहाँ इसको और अच्छे से बताया जाएगा, इतना कोई अथी नहीं है इस एग्जाम में नहीं आता है सब, एग्जाम में आपको सिंपल सा स्नेल्स लॉ पूछेगा उसका एक न्यूमेरिकल सिंपल सा जो बताएं कि म्यू का वैल्यू दे देगा एयर का वाटर का एक दिया रहेगा एक आपको निकालना रहेगा और कुछ नहीं ठीक है, डिफ्रेंशन वगैरह ये इतना कुछ नहीं आता। इंसिडेंस रे इज पैरेलल टू द इमरजेंट रे, ये भी याद रखिएगा इन जनरल केस
जैसे कि वन म्यू टू, टू म्यू थ्री, थ्री म्यू फोर, ऐसे करके तो वन आता है, हम लोग भी जान गए कि वन म्यू टू, टू म्यू थ्री, थ्री म्यू फोर, ऐसे कंटिन्यूटी मतलब जाएगा कंटिन्यूटी में तो उसका वैल्यू वन आता है। देख लीजिए कहीं तक एन एन म्यू वन तक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको वन आएगा। तो उसी प्रकार वन म्यू टू एंड टू म्यू फोर दो भी तो उसका वैल्यू वन, तो वन म्यू टू बटा में करिए तो वन म्यू टू, सिंपल सा सारे को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका वैल्यू वन आ जाएगा, उसको रिवर्स करिएगा तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, जो ये कंटिन्यूटी में रहेगा तभी वन आएगा। कंटिन्यूटी करने का मतलब देखिए ए म्यू डब्लू, तो डब्लू म्यू जी, तो जी म्यू ए, इसी को तो भी यहाँ पर वन आता है। ठीक है, यहाँ पर आई इक्वल टू एंगल आई, मैं दोनों बराबर हो गया। ठीक है, इंसिडेंस रे पैरेलल टू इमरजेंट रे, ठीक है, इन दिस हो गया। चलिए इन जनरल केस है वन टू टू थ्री तो वन आएगा, सारे को वन जब वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर वही बता रहा है कि कंटिन्यूटी में देखिए वन म्यू टू तो टू म्यू, यहाँ पर कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, इसको पलट दिया तो वन बाई टू, तो इसको चेंज कर दिया तो उलट जाएगा। तो सिंपल रूल, चलिए यहाँ तक कुछ याद रखिएगा कि ग्लास का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थ्री बाई टू। ठीक है ना, अगर एयर का विथ रिस्पेक्ट तो चेंज हो जाएगा टू बाई थ्री। ठीक है, इफ़ द एम यू डब्ल्यू थ्री बाई फोर तो एम यू जी ये तो चेंजिंग नहीं, दूसरा हो गया तो थ्री बाई टू दूसरा है, यानी कि आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाई थ्री, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री बाई टू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू म्यू जी। अब देखिए जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का पूछ दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो किसका किसका दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, आपसे क्या पूछ दिया, आपको आपसे ग्लास का पूछ दिया विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सारे को क्या क्या करेंगे, हम लोग अभी रूल एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि देखिए ए म्यू डब्ल्यू तो डब्ल्यू को यहाँ रखेंगे तो डब्ल्यू म्यू जी, तो जी को यहाँ रखेंगे जी म्यू डब्ल्यू जी टू वन आता है, वन आता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है तो सारे का वैल्यू वन आ गया, इसका वैल्यू निकाल दिए। तो बस फार्मूला पे ही रहता है, अब समझ में आएगा तो ठीक है ना, तो इसको दोबारा करिएगा तो समझ में आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा आपको माइंड में लगा हो क्या क्या पढ़ा दें भैया, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कुछ आया भी तो इसमें यही पढ़ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोबारा रिविजन वगैरह करिएगा, ढंग से पढ़िएगा तो आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वैसा खास होगा नहीं। चलिए तो लेटरल शिफ्ट क्या है, क्लास टेंथ में थोड़ा सा पढ़े होंगे लेकिन डिटेल में हम लोग, क्योंकि क्लास टेंथ में तो रिफ्रैक्शन भी पढ़े थे लेकिन ऐसा रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से है, आगे कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, टाइमिंग देख लेते हैं। आज वीडियो आपका थोड़ा सा लेट से बन रहा है, 11:21 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डाल देंगे सुबह तक चला जाएगा। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।